दक्षिण भारतीय शैली में बना इंदौर का अन्नपूर्णा मंदिर नवदुर्गा उत्सव के दौरान लोगों की आस्था का केंद्र रहता है। रात दिन यहाँ भक्त दर्शन के लिए आते हैं और अपनी मन्नत और मनोकामना पूर्ण करने की प्रार्थना देवी से करते हैं। इस मंदिर में तीन मूर्तियाँ हैं। पहली मूर्ति माँ अन्नपूर्णा की, जिनके नाम से यह मंदिर है। इसके अलावा माँ कालका की एक मूर्ति है और माँ सरस्वती की मंदिर मूर्ति है। इस पूरे परिसर में अलग अलग मंदिर भी है, जहाँ पर शिव जी, गणेश जी व अन्य देवी देवताओं के मंदिर भी है। और 3 साल पहले इस मंदिर में नया एक मंदिर बनाया गया था, जिसकी लागत करीब 20 करोड़ रुपए आई। पूरी तरह मार्बल से निर्मित इस मंदिर का निर्माण 6000 वर्ग फीट में किया गया है। और इस मंदिर का जो मुख्य कलश है, उसकी ऊंचाई 80 फीट के लगभग है। और यह मंदिर काफ़ी आकर्षक बना हुआ है और इसके अंदर की बनावट भी दक्षिण भारतीय शैली की है। इस मंदिर की गेट की बात करें तो मुख्य द्वार 4 हथनियों पर निर्मित है, और ये जो हथनियाँ हैं, इसके ऊपर भी अलग अलग प्रतिमाएं हैं, जो काफ़ी आकर्षित करती है। और इस मंदिर का निर्माण जो है, मदुरई के मीनाक्षी मंदिर की तर्ज पर किया गया है। और काफ़ी लोग जो लोग यहाँ पर इंदौर में घूमने आते हैं, धार्मिक पर्यटन के लिए आते हैं, वे इस मंदिर में भी दर्शन के लिए जरूर आते हैं। अमर उजाला के लिए कैमरामैन जयेश मालवीय के साथ अभिषेक चेंडके, इंदौर। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।